सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ईश्वर के हम सर्वश्रेष्ठ संतान जो रोज ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, वो पढ़ाने वाला सतगुरु, सत टीचर, सत शिक्षक आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ाकर 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है, पूछ रहे हैं। अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दस में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वो अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती है। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। बाबा का मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। बाबा कहते हैं जब मनुष्य गीत सुनाते हैं तो हमेशा कहते हैं साकार कृष्ण भगवानो वाच। बाप आकर समझाते हैं कि तुमको अब मैं राजाई प्राप्त करा रहा हूं। इस राजयोग द्वारा जो श्रेष्ठ ज्ञान मिल रहा है, कृष्ण तो था ही सतयुग का प्रिंस। मुख्य है ये भूल गीता में, तुम बच्चे जानते हो शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा, माने ब्रह्मा बाबा के द्वारा। यूं भी जन्मदिन मनाया जाता है, शिव जयंती गाई जाती है, आत्मा का तो एक ही नाम चलाता है। बाप कहते हैं मैं गर्व से जन्म नहीं लेता हूं, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर चुरपुर करती है, मालूम पड़ता है अंदर आत्मा ने प्रवेश किया है। बच्चे के अर्गांस चलने लगते हैं, यह बात अच्छी रीति समझनी है। और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वह कब ऐसे नहीं कहते कि आत्मा तुमको समझाते, वो प्रसिद्ध है शरीर से। यह बाबा तो विचित्र है, इनको अपना शरीर नहीं, शरीरधारी को भी कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो, आत्मा इन अर्गांस द्वारा याद करती है परमपिता परमात्मा को, जिसको सब भगत हैं भगवान कहकर याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के नाम तो जानते हैं, है ब्रह्मा है विष्णु कह पुकारते हैं, है देवताएं, वो कौन हो गए, देवताएं हो गए। भगवान कहने से निराकार ही याद आता है। बाबा कहते हैं मैं भी हूं आत्मा, परंतु हूं कौन, परम सितारा, सुप्रीम सोल, सभी आत्माओं का पिता मैं हूं। बाबा कहते हैं मेरा भी चित्र बनाते हैं, तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते हैं। मंदिरों में बड़ा शालिग्राम भी रखते हैं और छोटे शालिग्राम में, जिससे सिद्ध होता है कि वो आत्माएं हैं एक परमात्मा के बच्चे। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, इसीलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। वास्तव में कोई शालिग्राम बड़ा नहीं हूं, आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती, मनुष्य छोटा बड़ा होते हैं। ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूप बीज रूप है, बीज रचिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है उससे पहले झाड़ निकल आता है, वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है और शरीर का कितना विस्तार है। तो पहले नई बात यह है कि यहां परमात्मा बाप पढ़ाते हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान, और हम पढ़ते हैं भगवान उवाच। यहां कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते हैं, परंतु निराकार भगवान पढ़ाते हैं। तो आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इस ब्रह्मा तन में ही आना है, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है।
तुमको बुद्धि में सारा याद आता है। मूल वतन में हम आत्माएं रहती हैं, और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा परमधाम में बाप के साथ रहने वाली है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। हम आत्मा है बिल्कुल स्टार छोटा, पूजा के लिए बड़ा बनाया, बाकी इतनी बड़ी आत्मा यहां भ्रुकुटी में तो बैठ ना सके। बाबा आत्मा के बारे में पूरा क्लियर करें कि आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं, अति सूक्ष्म है, छोटी है। जैसे परमात्मा वैसे आत्मा। यह पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्म के लिए पढ़ते हैं, तो हम बच्चों कितना नशा रहना चाहिए कि भगवान पढ़ाते हैं। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठे उनको पढ़ावे, तो कहेंगे हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ है पतित पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट, गॉड फादर परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का राज स्वराज्य ले रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं, चलते चलते पढ़ाई को छोड़ भी देते हैं। भगत ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े, इसके लिए ही यह टेप आदि का प्रबंध रखा है। मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका लंदन आदि भी जाते हैं, यहां तो घर में रहने वाला पूरा नहीं पढ़ते, समझते नहीं कि परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे। भगवान जो त्रिलोकी नाथ हैं, वर्ल्ड ऑलमाइटी लिबरेटर हैं, गाइड हैं, उनकी महिमा देखो कितनी है। परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई बिरले जानते हैं। इस समय तुम गुप्त हो, तुम जानते हो हम मूल बंधन के रहने वाले, फिर सूक्ष्म बंधन भी है, लेकिन अभी हम फरिश्ता बन के जाएंगे सूक्ष्म बंधन, फिर उसके बाद परमधाम में। बाबा कहते हैं अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे, जैसे कन्या पियर घर से ससुर घर जाती है तो बहुत धूमधाम से बाजे गाजे बजाते हैं, ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तब तो देखेंगे, अगर छोड़ देंगे तो कैसे होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा के हाथ कभी नहीं छोड़ना है। बाबा कहते हैं पूरा ध्यान रखना है पढ़ाई पर। कोई का कोई मर जाता है, समझा जाता है, अब यह अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे, क्योंकि बंधन छूट गया। अब को पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाओ, यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, माया तुम्हारा दीवा झट बुझा देगी। इसलिए बाप को अच्छी तरह याद करना है और पढ़ना है। जब तक यहां बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है, बाहर गए तो नशा गुम हो जाता है, जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बंधन नहीं है तो बैठ पढ़े और पढ़ाए, चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं। बाबा युक्तियां रच रहे हैं, गांवड़े वाले कैसे सीखें, यह तो स्लाइड से भी सीख सकते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर। भगत दिन प्रतिदिन इंप्रूव होता जाएगा, है ना। शांति धाम और सुख धाम, और यह है दुख धाम। आदि मध्य अंत, नई दुनिया बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। जब आधा समय पूरा होता है तो फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता है। यह पुरानी दुनिया अब हो नहीं हो रही है, फिर से नहीं कैसे हो रही है, अब यह आकर देखो समझो, यह आत्मा को बताना है कि किस प्रकार से हम नई दुनिया में जा रहे हैं, क्योंकि ये दुख की दुनिया खत्म हो रही है। तुमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है। दुर्योधन का भी मिसाल है, यह राज्य गया कि गया, कल्प की बात है, कल्प कल्प नई दुनिया होती रहती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। त्रिमूर्ति शिव भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, शंकर द्वारा विनाश होना है, फिर जो राजयुग सीखते हैं वही राज्य चलाएंगे। दैवी राज्य स्थापना कर उनके जन्म जन्मांतर पालना करते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है, जहां तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है।
हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्म इंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को आर्डर के अंदर चलाती, ना सिर्फ यह स्थूल कर्म इंद्रिया लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। नीति मतलब श्रीमत। वे कभी संस्कार के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं, क्योंकि सत्युग में जाने वाले तो श्रेष्ठ नीति चाहिए। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। तो बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। तो आज की मुरली के अनुसार हमें सो मान लेना है, मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में डूबे रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।